समरो मंत्र भलो नवकार एछे चवद पुरव नौ सार एनी महिमानो नहीं पार एनो अर्थ अनंत अपार समरो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव नौ सार एनी महिमानो नहीं पार एनो अर्थ अनंत अपार समरो मंत्र भलो नवकार एछे चवद पुरव नौ सार सुख मा समरो दुख मा समरो समरो दिवस ने रात जीवता समरो और मरता समरो जीवता समरो मरता समरो समरो सहु संपात समरो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव नौ सार समरो आनंद ले लो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव जोगी समरे भोगी समरे समरे राजा रंग भोगी समरे योगी समरे समरे राजा रंग देवो समरे दानव समरे देवो समरे दानव समरे समरे सहु निशंक समरो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव नौ सार समरो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव नौ अड़सठ अक्षर एना जानो अड़सठ तीर्थ सार अड़सठ अक्षर एना जानो अड़सठ तीर्थ सार आठ संपदा ए परमाणो अड़सिद्धिदा तार समरो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव नौ सार समरो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव ओ नव पद एना नव निधि आपे भव भव ना दुख कापे वीर वचन थी हृदये स्थापे परमात्म पद आपे समरो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव नौ सार समरो मंत्र भलो रे नवकार एछे चवद पुरव नौ सार एहनी महिमानो नहीं पार एनो अर्थ अनंत अपार समरो मंत्र भलो रे नवकार छे चवद पुरव नौ सार। आज नवपद ओली का तीसरा दिन है और आज हम सभी लोग ओम रीम श्रीम श्री नमो आयरियाणम का जाप करेंगे।
ये आचार्य पद वास्तव में नवकार मंत्र का मध्य भाग है। इसके ऊपर तो सिद्ध और अरिहंत है और इसके नीचे उपाध्याय और साधु है। पंच परमेष्ठी के जो मध्य भाग में विराजमान है वो आचार्य पद है। आई है ओली जो हमें कहती है तजो कड़वी बोली। ओली हमें कहती है इंसान अपनी कड़वी बोली का त्याग कर दे। ओली जी में हम पहला संकल्प लेते हैं, हम जब भी बोलेंगे प्रेम से, मिठास से, आनंद से बोलेंगे। आज तीसरा पद है, सब बोल लो नमो आयर्याणम। आचार्यों को हमारे नमस्कार हो। ध्याता आचार्य भला महामंत्र सुब ध्यानी रे, पंच प्रस्थाने आत्मा आचार्य हो प्राणी रे। और अपनी आत्म भावना को बाते बाते आचार्य पद की पूजा करते करते जीव अपने जीवन में साधु पद, उपाध्याय पद और आचार्य पद को प्राप्त कर लेता है। आचार्यों के बारे में तो कहते हैं आचार्य वे होते हैं दीव समा आयरिया दीपंती परम च दीवंती। आचार्य दीपक के समान होते हैं जो खुद भी प्रकाशमान रहते हैं और दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। जैसे देहरी का दिया होता है, देहरी के भीतर के भाग को भी प्रकाशित करता है और देहरी के बाहर के भाग को भी प्रकाशित करता है। आचार्य वे निर्मल आचरण के मालिक होते हैं, वे पवित्र आचरण के मालिक होते हैं, वे पवित्र संयम के मालिक होते हैं कि वे हमेशा अपने जीवन को इतनी निर्मलता, पवित्रता, उज्ज्वलता के साथ जीते हैं कि जिससे दीव समा आयरिया आचार्य दीपक के समान होते हैं। दीपक खुद भी प्रकाशित रहता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। दीपक अपने अंदर में भी प्रकाश करता है और बाहर के भाग को भी प्रकाशित करता है। मैं बहुत सम्मान और गौरव के साथ अनुरोध करूंगा, तीर्थंकरों के बाद, सिद्धों के बाद अगर सबसे बड़ा श्री संग पर किसी का उपकार होता है तो वो आचार्यों का होता है, क्योंकि आचार्य भगवंत ही संघ का संचालन करते हैं। आचार्य भगवंत ही संघ को अनुशासन में रखते हैं। आचार्य भगवंत ही संघ के विकास के लिए अपनी ओर से अभिनव सूत्र संघ को प्रदान किया करते हैं। इसलिए आज हम बहुत श्रद्धापूर्वक ब्रह्मांड में रहने वाले उन समस्त आचार्य भगवंतों को, जिनका आचरण निर्मल है, जिनका आचरण श्रेष्ठ है, जो पवित्र जीवन के मालिक हैं, जो संघ के अनुशासता हैं, जो संघ के आचार्य पद पर विराजमान हैं, हम उन सबको अपनी ओर से प्रणाम करते हैं। मैं आपको एक खास बात बता रहा हूं, सिद्ध चक्र महामंत्र में जिन शासन के तीनों खास बातें आई हुई है और वो खास बातें हैं देव, गुरु और धर्म। महामंत्र नमोकार का ये जो सिद्ध चक्र मंत्र इसमें आए हुए हैं, बुद्धि लगाओ कहां कहां देव है, कहां कहां गुरु है, कहां कहां धर्म है। सिद्ध चक्र महामंत्र के जो शुरुआत के दो पद हैं उसमें देव की आराधना है। सिद्ध चक्र महामंत्र के जो बीच के उसके बाद के तीन पद हैं उसमें गुरु की आराधना है और सिद्ध चक्र महामंत्र के जो अंतिम चार पद हैं उसमें धर्म की आराधना है। नंबर एक, पहले दो कौन कौन से हैं बोलो बोलो, अरियंत और सिद्ध। इनकी श्रेणी में किसमें चली गई, देवों में, अरियंत देव सिद्ध देव में चली गई। लेकिन इसके बाद दो तीन पद हैं, आचार्य का पद, उपाध्याय का पद और साधु का पद, ये किस में आते हैं, गुरु में आ जाते हैं। लेकिन देव गुरु धर्म, अब ये जो पीछे के चार पद हैं, दर्शन ज्ञान चरित्र और तप, ये चार किस में हैं, धर्म में आ चुके हैं, धर्म की आराधना में आ चुके हैं। इनकी आराधना करके व्यक्ति मुनित्व को प्राप्त करता है, धीरे धीरे विकास करके उपाध्याय आचार्य बढ़ते हुए सिद्ध और अरियंतों की श्रेणी में जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है। आचार्य वे होते हैं जो निर्मल आचरण के मालिक होते हैं। आज जब आचार्य पद की पूजा कर रहे हैं, आचार्य पद का सम्मान कर रहे हैं, आचार्य पद की प्रदक्षिणा देंगे, आचार्य पद के अभिवंदना करेंगे, तो हम पहला मन में ये संकल्प लें कि हम स्वयं निर्मल आचरण के मालिक बनेंगे। हर आदमी का आचरण निर्मल होना चाहिए, हर आदमी का आचरण निर्मल और पवित्र होना चाहिए। जो व्यक्ति निर्मल आचरण और पवित्र जीवन का मालिक होता है वो व्यक्ति जीवन के बाजी जीत लेता है। दुनिया में चार तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं पर प्रकाश में चले जाते हैं। जैसे हमारे पास नाम आता है हरिकेश बल मुनि का, भले ही चांडाल के कुल में पैदा हुए लेकिन भगवान के शासन में आकर, भगवान के दिव्य सत्संग को सुनकर, भगवान के दिव्य वाणी को सुनकर उन्होंने भगवान का चरित्र जीवन स्वीकार कर लिया। भगवान श्री महावीर ने हमेशा एक बात कही थी, व्यक्ति कभी भी जन्म से महान नहीं होता, व्यक्ति कभी भी जाति से महान नहीं होता, आदमी जब भी महान होता है अपने कर्मों से महान होता है।
कोई अगर वैश्य में जन्मा हो, कोई अगर क्षत्रिय में जन्मा हो, या कोई अगर ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, किसी भी कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान और छोटा नहीं होता है। आदमी जब भी महान होता है अपने आचरण से महान होता है। कल्पना करो, एक व्यक्ति बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ है पर नीचा जीवन जीता है। आदमी नीचा हुआ कि ऊंचा? नीचा हुआ। पर एक आदमी है भले ही सामान्य कुल में पैदा हुआ पर हमेशा ऊंचा जीवन जीता है। बताओ वह आदमी ऊंचा हुआ कि नीचा? व्यक्ति कभी भी अपनी जाति रंग वर्ण से महान नहीं होता है, आदमी जब भी महान होता है। भगवान श्री महावीर ने 2500-2600 साल पहले पूरी मानवता को जीने की राह दिखाई थी कि दुनिया में कभी भी इंसानियत का बंटवारा जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए कि अमुक ब्राह्मण है, अमुक वैश्य है, अमुक शूद्र है या अमुक क्षत्रिय है। जातियों के आधार पर मानवता का बंटवारा नहीं होना चाहिए। आदमी हमेशा अपने कर्म से महान बनता है, अपने सत्कर्म से महान बनता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है व्यक्ति का वैसा ही भविष्य बनता है। तो कुछ लोग होते हैं जो अंधेरे में पैदा होते हैं पर जीवन को उजाले में ले आते हैं। हमने कई बार देखा होगा कुछ सामान्य घर में लोग पैदा होते हैं, कच्ची बस्ती में भी लोग पैदा हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी मानसिकता, इसका परिणाम निकल कर आता है कि एक दिन वे दुनिया के महान व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रकाश में पैदा होकर भी अंधेरे में चले जाते हैं। किसमें? अच्छे कुल में पैदा हुए, शालीन परिवार में पैदा हुए, जिन शासन के घर में पैदा हुए, अच्छे संस्कार जीवन में आने चाहिए थे, ऊंचे घर में तो पैदा हो गए पर लेकिन आदमी की करनी नीची हो गई और परिणाम अच्छे घर में पैदा होकर भी अगर उल्टी आदतें पड़ गई तो मतलब पैदा तो प्रकाश में हुआ पर जीवन किधर चला गया? बोलो, अंधेरे में चला गया। तीसरी क्वालिटी के लोग वे होते हैं जो अंधकार में ही पैदा होते हैं और अंधकार में ही जिंदगी जीते रहते हैं। याद करो, पहला पैदा कहां हुआ? अंधकार में। जीवन कहां ले गया? प्रकाश की ओर। एक पैदा कहां हुआ? प्रकाश में, पर जीवन कहां ले गया? अंधकार की तरफ। हमारे पास उदाहरण मिलता है प्रभव डाकू का। आपको मालूम है जम्बू स्वामी की प्रेरणा से जिस डाकू प्रभव ने जिन प्रवर्जिया स्वीकार की थी अपने 500 चोर डाकुओं के साथ, आपको मालूम है प्रभव कौन था? राजकुमार था। राजा के घर में पैदा हुआ, उसने अपने जीवन में गलत दिशाएं पकड़ ली, गलत मार्ग पकड़ लिया और परिणाम उसके जीवन में गलत राह पकड़ने के कारण ऊंचे कुल में तो पैदा हुआ पर कर्म उसके नीचे चले गए। कुछ लोग होते हैं जो अंधकार में पैदा होते हैं प्रकाश में चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो प्रकाश में पैदा होते हैं और प्रकाश में चले जाते हैं। जैसे जम्बू स्वामी प्रकाश में पैदा हुए और अपने पूरे जीवन को प्रकाश की ओर लेकर चले गए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, नंबर एक अंधकार में पैदा होते हैं प्रकाश में चले जाते हैं, कुछ लोग प्रकाश में पैदा होते हैं अंधकार में चले जाते हैं, कुछ लोग अंधकार में पैदा होते हैं और अंधकार में ही जिंदगी जीते रहते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म भी प्रकाश में लेते हैं और जीवन को भी प्रकाश में जिया करते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में निर्मल आचरण का मालिक बनना चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन में निर्मल और पवित्र आचरण का मालिक बनना चाहिए। जो व्यक्ति निर्मल और पवित्र आचरण का मालिक बनता है वो व्यक्ति यहां भी पूजा जाता है, वहां भी पूजा जाता है, वो स्वदेश में भी पूजा जाता है, परदेश में भी पूजा जाता है। निर्मल चरित्र का मालिक व्यक्ति तो सदा हमेशा सम्मान पाया करता है। निर्मल चरित्र का मालिक हमेशा अपने जीवन को उजाले में जिया करता है। निर्मल चरित्र का मालिक व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा पवित्रता और निर्मलता से जिया करता है। और मैं आप सब लोगों को जीवन का यही तो पवित्र मार्ग आज देने की कोशिश कर रहा हूं कि हम पहला संकल्प करें, मैं अपने जीवन को बहुत पवित्रता से जीऊंगा। और पवित्रता से जीने के लिए पहला संकल्प, मैं अपने आचरण को हमेशा निर्मल रखूंगा। अगर मैं निर्मल आचरण का मालिक बना तब तो आचार्य पद की पूजा करना मेरे परिणाम आएगा। मैं मंत्र से तो बोलता रहा नमो आयरियाणम और खुद के आचरण को ही अगर मैं निर्मल और पवित्र न कर पाया तो नमो आयरियाणम कहने का मुझे परिणाम नहीं मिल पाएगा। पहली निर्मलता जरूरी है, वो है आचरण की निर्मलता। कहते हैं देखो, एक जीवन में कैसे व्यक्ति के जीवन में मोड़ आता है। एक युवक नगर सेठ का बेटा, किसका बेटा? नगर सेठ का बेटा, लेकिन कोई नृत्यांगनाओं का दल वहां पर आया हुआ था और नर्तकियों को नर्त करते हुए देखकर पता नहीं वो उसकी बेटी पर आसक्त हो गया। पापा से जाके कहा, मैं तो वो जो शहर में नृत्य करने वालों का दल आया हुआ है मैं तो उसकी बेटी से शादी करूंगा। अरे पिता ने कहा, बेटा तू कैसी बात करता है,
अपन नगर सेठ हैं, पूरे नगर में मेरी एक अलग इज्जत है और तू कैसा निर्णय कर रहा है। अरे विवाह तो हमेशा समतुल्य परिवारों में किया जाता है, तो ऐसा कैसा निर्णय। उसने कहा नहीं, मैंने तो निर्णय कर लिया, चाहे जो कुछ हो जाए मैं तो उसी से शादी करूंगा। पिता से बिना कुछ कहे वो आ गया नृत्य की मंडली में और आकर वो जो नर्तकी थी उसके पिता से कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं। तो उसने कहा भाई ऐसे की बातों से शादी थोड़ी होती है, तुम्हें अगर मेरी बेटी से शादी करनी है कि तुम्हें पहला निर्णय करना पड़ेगा, तुम भी हमारी कला में पारंगत हो। अगर तुम नृत्य कला में पारंगत हो जाते हो और इसकी तरह तुम नृत्य कला में निष्णात हो जाते हो तो मैं तुम्हारा विवाह इसके साथ कर दूंगा। अब वो तो सेठ का बेटा, उसे भला डोरियों पर खड़े होकर नृत्य करना कहां आता था। उसने उस युवती में आसक्त होकर, उसका मन इतना ज्यादा आसक्त हो गया उसमें कि वो अपने घर घराने कुलीन परिवार सबको भूल गया और वो उसी के पीछे पागल हो गया और दिन भर नृत्याभ्यास सीख रहा है। वही नृत्यांगनाओं के दल में आ गया और डोरी पे डांस करना सीख रहा है। नगर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माँ बाप ने बहुत समझाया पर मानने को तैयार न हुआ। बस उसकी तो बुद्धि फिर गई, 24 घंटों से वही 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 नजर आए। धीरे धीरे वो नटों के दल में ही चला गया, एक एक गांव में जाता, डोरी पर नृत्य करता और पैसे कमाने का अभ्यास कर रहा था। धीरे धीरे वो पारंगत हो गया। एक नगर में उसका आयोजन रखा गया। उस नर्तकी के पिता ने कहा कि अगर आज तू यहां पर वाहवाही लूट लेगा, आज अगर यहां पर तू वाहवाही लूट लेगा और अगर आज राजा ने तुम्हें सम्मानित कर दिया तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। वो बहुत तन्मयता के साथ, बहुत लयलीनता के साथ, बहुत मनोयोग के साथ उसने कहा आज मैं ऐसा नृत्य करूंगा, आज मैं ऐसा नृत्य करूंगा कि लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इधर भी लकड़ी बंधी, इधर भी लकड़ी बंधी, बीच में डोरी बांध दी गई जिस डोरी पर उसे क्या करना था, है? नृत्य करना था। जिस पर उसे नृत्य करना था वो डोरी बन गई थी, वो उस पे चढ़ गया, बड़ी तन्मयता से नृत्य कर रहा है। तभी उसकी नजर पड़ी, सामने देख रहा है एक घर है, घर के बाहर एक शांत तपस्वी मुनि का आगमन हुआ है, पंचमहाव्रतधारी मुनि का आगमन हुआ है। घर की महिला उन्हें घर के बाहर खड़ी है दरवाजे पर, उनकी अभिवंदना कर रही है, उनसे मंगल पाठ ले रही है, उनकी स्तुति कर रही है, उनको प्रणाम कर रही है। और वो नृत्य करने वाला कुमार इस सारे दृश्य को देखता है। वो जो घर की मालकिन है वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि उस युवक ने इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी, पर वो देखकर चौंक पड़ता है कि इस सुंदर महिला के सामने भी मुनि अगर खड़े हैं तो उनकी नजरें नीची है, उनके जीवन में संयम है, उनके चेहरे पर आभा है। उससे लगता है ओ देखो देखो ये मुनि कितना महान है, इतनी सुंदर महिला इसके सामने खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद इसकी नजरें फिर भी नीचे हैं। एक मैं हूं जो इतने ऊंचे घर में पैदा हुआ लेकिन कामासक्त होकर, और मैंने अपने घर घराने का ख्याल नहीं रखा, मैं कहां निकल कर आ गया। और कहते हैं उसकी भाव दशा सुधरी, उसकी अंतरदशा सुधरी। भावे भावना भावीए और भावे दीजिए दान, भावे जिनवर पूजिए भावे केवल ज्ञान। उसकी भाव दशा सुधरती गई, उसकी अंतरदशा सुधरती गई, वो मन ही मन इतनी आत्मग्लानि से भर गया, ओ मैं काम में आसक्त होकर किस तरह अपने जीवन का गलत निर्णय करने जा रहा था। और कहते हैं जैन धर्म के इतिहास की ये महान कहानी है कि उस कुमार को, उस नगर सेठ के बेटे को जो नर्तक बन गया था उसमें आसक्त होकर उस डोरी पर नृत्य करते करते केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और वो और कोई नहीं, उसी कुमार का नाम था इलायची कुमार। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिन शासन में पता नहीं ऐसी कितनी अनगिनत घटनाएं, व्यक्ति के भाव विशुद्धि पर, व्यक्ति के निर्मल चरित्र पर, व्यक्ति के निर्मल संयम पर व्यक्ति आचरण में पवित्र और निर्मल बन सके। आज हमें यह संकल्प लेना पड़ेगा, मैं जब आज नमो आयरियाणम की पूजा कर रहा हूं, आचार्य पद का जाप कर रहा हूं, आचार्य पद की आराधना कर रहा हूं, आचार्य पद का पूजन कर रहा हूं, तो मैं पहला संकल्प लूंगा मैं अपने अंतर हृदय को निर्मल रखूंगा, मैं अपनी भाव दशाओं को निर्मल रखूंगा। नंबर एक, मैं निर्मल चरित्र का मालिक बनूंगा, मैं अहिंसा में विश्वास करूंगा, मैं कभी भी अपने द्वारा कभी किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं कभी किसी के मन को पीड़ा नहीं पहुंचाऊंगा, मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे किसी दूसरे का अशुभ हो, मेरे द्वारा कभी ऐसा कोई बोल बर्ताव ना हो जिससे दूसरे के मन को ठेस लगे।
मैं अपने जीवन के लिए दूसरा संकल्प करता हूं, अपने जीवन को निर्मल चरित्र का मालिक बनाने के लिए, कि मैं जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य बोलो जो प्रिय हो। मेरे भाई, कड़वी से कड़वी दवाई को भी अगर चाशनी में घोल दिया जाए तो वो स्वाद में ठीक हो जाती है। ऐसे अगर आपको कोई कड़वी बात भी कहनी है लेकिन उस बात को हमेशा प्रेम से, मिठास से, शांति से, धैर्य से अगर आप अपनी बात करेंगे तो ऐसा करके आप दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाएंगे। मैं हमेशा सत्य बोलूंगा। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी बात को पेश करने के लिए गलत बोलना, झूठ बोलना जरूरी हो। हो सकता है जीवन में हमारे द्वारा कभी गलत कार्य हो गया हो सकता है हमसे कभी असत्य भाषा का उच्चारण हो गया हो, लेकिन मैं अपने भीतर याद रखिएगा, भगवान कहते हैं सत्यवादी व्यक्ति दुनिया में माँ की तरह विश्वसनीय होता है, सत्यवादी व्यक्ति दुनिया में गुरु की तरह विश्वसनीय होता है, सत्यवादी व्यक्ति दुनिया में धर्म की तरह विश्वसनीय होता है। सच्चाई तो यह है, सत्यवादी व्यक्ति दुनिया में ईश्वर की तरह विश्वसनीय होता है, उस पर तो ईश्वर का दिव्य आशीर्वाद हमेशा होता है। हम दूसरा संकल्प करें। मैं, हमारी जो आदत पड़ चुकी है छोटी छोटी बातों में हम भूल ही जाते हैं, सत्य और असत्य का जो भेद होना चाहिए वो तो हमारे दिमाग से निकल ही जाता है छोटी छोटी बातों में, बिना कोई काम के। कोई जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो और आदमी कभी कोई झूठ बोले तो शायद वो माफ भी कर दिया जाए। मोबाइलों में हम झूठ बोल रहे हैं बेवजह, कोई पूछे कहाँ हो, हम खड़े कहीं हैं और बेवजह बता रहे हम गाड़ी चला रहे हैं। अरे भाई तुम कहीं बैठे हो, आपको पता है इससे दो काम हो रहे हैं, आप तो मन में बड़े खुश हो रहे हो मैंने उसको बना दिया, बना दे ही दिया। सच्चाई तो ये है, आप अपनी इमेज डाउन करें किसके सामने, आपके सामने कोई और भी तो बैठा है जिसके सामने आप कह रहे हैं और उसको मुस्कुरा कर कहते हैं मैंने उसको कर दिया, पर उसको पता है आज तूने उसको कर दिया, एक दिन तू उसको भी कर सकता है। वो आदमी भाप लेता है, माप लेता है कि आदमी कितना पानी में है। कल जो उसके सामने झूठ बोल रहा है, विश्वास रखना आपके पति अगर किसी के सामने आज झूठ बोल रहे हैं, एक दिन वो आपके सामने भी बोलेंगे। आपकी पत्नी आपके सामने अपनी सहेली से कह रही है हम तो अभी घर में नहीं, हम तो कहीं बाहर गए हैं भाई घर में, वो कहती है मैं घर आ रही हूं, और आपने अपने पति को पूछा उसने मना कर दे, और आपने कहा हम तो अभी घर में नहीं है बाहर। याद रखना आपने समझा, आपने मुसीबत टाल दी, आते फिर नाश्ता लाना पड़ता, फिर व्यवहार व्यवस्था करनी पड़ती, पर एक बात ध्यान रखना आज वो उसके सामने झूठ बोली है तो कल बारी आपकी है। तो किसी भी इंसान के लिए दूसरा जरूरी है और वो है मैं सत्यवादी रहूंगा। मैं कभी भी सत्यवादी पर हमेशा विश्वास किया जाता है। हमारे भारत का तो सबसे महान नारा है सत्यमेव जयते, विश्वास रखो अंततः विजय हमेशा किसकी होती है, किसकी होती है, सत्य की होती है। अंततः विजय हमेशा सत्य की होती है, इसलिए आदमी को हमेशा सत्यवादी रहना चाहिए। नंबर तीन, मेरे पास ज्यादा है या कम है खास बात नहीं, मेरे पास वही धन हो जो मैंने मेहनत से कमाया हो, जो मैंने ईमानदारी से कमाया हो, जो मैंने निष्ठा से कमाया हो। क्योंकि दुनिया में अमीर को भी अपनी अमीरी छोड़कर जानी है, गरीब को भी अपनी गरीबी छोड़कर जानी है। मुझे पता है गरीब आदमी अपनी झोंपड़ी छोड़कर जाएगा, पर मैं सच आपको ये बता दूं, गरीब तो झोंपड़ी छोड़कर जाएगा पर अमीर आदमी अपना महल साथ में बोलो ले जा पा गा या नहीं। तो जब गरीब की झोंपड़ी यही रहने वाली है, अमीर की कोठी यही रहने वाली है, फिर दोनों में फर्क क्या हुआ। जब दोनों छूटेंगे, झोंपड़ी से भी एक दिन कंधे पर चार लोग लेकर जाएंगे और महल से भी एक दिन चार लोग लेकर जाएंगे, और हां अमीर की अमीरी भी यही रह जाएगी, गरीब की गरीबी यही रह जाएगी। इसलिए हम तीसरा संकल्प कर लें, मैं अपने जीवन में वही धन कमाऊंगा है जो नैतिकता से हो, मैं वही धन कमाऊंगा जो ईमानदारी से हो। अगर आपको मालूम पड़ गया ये चीज मिलावटी है, आपको मालूम पड़ गया ये माप गलत है, आपको मालूम पड़ गया ये चीज गलत है, उस चीज से धन कमाना पाप है। किसी भी तरह से अगर आपने गलत तरीके से जीवन में धनोपार्जन किया है क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे। अभी आपके धर्मपत्नी के हाथ में कांच की चूड़ियां है, ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे तो सोने की चूड़ियां हो जाएगी, और ज्यादा पैसे वाले हो जाओगे तो हीरे की चूड़ियां हो जाएगी। पर ये कांच की चूड़ी को हीरे की चूड़ी में तब्दील करने में कहीं आपके हाथ में हथकड़ी आ गई तो क्या होगा, ये कांच की चूड़ी को हीरे की चूड़ी में तब्दील करने में ये बीच का जो मध्य भाग है, याद रखना हीरे की चूड़ी का उपयोग करने के लिए तो धर्मपत्नी आ जाएगी, पर जिस दिन हाथ में हथकड़ी आएगी ना तो वो ये नहीं कहेगी एक हाथ मेरा और एक हाथ तेरा, दोनों में बांध दो, तब आप अकेले जाएंगे अपने कर्म को भोगने के लिए। सुखों को भोगने के लिए पूरा घर होता है, पर जब संकट आते हैं तो भोगने के लिए आदमी
अकेला हो जाता है। हम चौथा संकल्प करें अपने आप के लिए, वो है अजनमो आयर्याणम का जाप करते हुए कि मैं शीलवान रहूंगा। क्या रहूंगा? मैं शील और संयम को अपने जीवन में निष्ठापूर्वक जीने की कोशिश करूंगा। मैं हर हालत में अपने जीवन को नैतिकता और निर्मलता से जीऊंगा। और पांचवा निर्णय जो हम अपने लिए कर सकते हैं वो है, मेरे पास अगर जरूरत से ज्यादा धन है तो मैं क्या करूंगा? मन बना लो, आप आज दिमाग में ले लो, मेरे पास अगर 21 पैंट, क्यों जी इतनी बहुत है या ज्यादा, 25 पैंट, पर आप इतना नियंत्रण कर सकते हैं। आज घर पर जाकर यहां जाने से पहले नियम बनाना, घर जाके मत सोचना कि मैं 25 पैंट रखूंगा, इससे ज्यादा अगर होगी तो मैं गरीब को दान दे दूंगा। एक नियम बना दो, जब भी आप नई पैंट की सिलाई कराएंगे, नए शर्ट की सिलाई कराएंगे, मन बना लो, जैसे आज आपको शनिवार को या रविवार को सिलाई कराने जाना है तो शुक्रवार को पहले काम करना, अपनी कोई एक पैंट, अपना कोई एक शर्ट निकाल कर धर्मपत्नी को दे देना कि कोई भी गरीब गुरबा आए तो उसे दान कर देना। उससे ये मत सोचना कि दो बर्तन और ले लूं, हाँ बुद्धि मत लगाना कि वो बर्तन वाला आएगा ना तो वो पैंट ले जाएगा, शर्ट ले जाएगा और एक तपेला और हाथ में दे जाएगा। मेरे भाई, दुनिया में कुछ कल्याण की भी भावना रखो। अरे नए कपड़े दान नहीं कर सकते, पर कम से कम वे कपड़े जो आपके उपयोग में नहीं आ रहे हैं हम उनको तो अपनी ओर से दान कर ही सकते हैं ना। तो ये नियम बना लो, मैं 25 ड्रेस का उपयोग करूंगा, इसके आगे जितने भी मेरे घर में ड्रेस है आज ही जाके गिन लेना, ठीक है ना, ईमानदारी से आज ही जाके 25 बढ़िया वाली, जो आपके पसंद वाली है, 25 पैंट, 25 शर्ट, 25 ड्रेस आपके अलग रख दी। अब एक बार घर में जितना भी है वो सब निकाल के अलग रखना, उनको धो धुला के उस्त्री करके प्लास्टिक थैले में पैक करके, और या तो आप अपने खुद ले लेना या अपनी धर्मपत्नी को दे देना या किसी कच्ची बस्ती में चले जाना और वहां पर ले जाकर दान कर देना। आपका तो भार हल्का हो जाएगा पर गरीब का भाग्य खुल जाएगा, आपका तो भार हल्का हो जाएगा। और पीछे नहीं तो आप चले जाएंगे तो वो यूं ही अंटसंट जाएगा, अपने हाथ से दियो ना, पीछे वाले उसे अंटसंट बांटे और इधर उधर करे इसकी बजाय अपने हाथ से दियो। मैं माताओं से अनुरोध करूंगा कि माताओं आप भी आज आत्मनिरीक्षण कर लो, जब हम आचार्य पद की पूजा कर रहे हैं और अपरिग्रह व्रत के मालिक बन रहे हैं तो भगवान हमें कहते हैं जितना परिग्रह करते चले जाओगे दुनिया में उतनी मूर्छा बढ़ती चली जाएगी। मैंने तो सुना है जो बहुत ज्यादा धन 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 सोना सोना इकट्ठा करता है आदमी मरकर क्या बनता है, है? है? वही बनता और बनकर उसी धन की रखवाली करता है। तो महिलाएं बहुत ज्यादा कपड़े 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 करेगी तो मरकर क्या बनेंगे, उसी कपड़े को खाने के लिए हमारी जीवात्मा का जन्म हो जाएगा। ये मूर्छा को मन से त्यागो मेरे भाई, मूर्छा को मन से त्यागो और संकल्प कर लो, मेरे पास जितनी ड्रेस है जितनी साड़ियां हैं आज मन बना लो 50, 60, 70, 80, 90, 100, चलो तो बस आज ही घर जाके देख लेना और जाकर के वे 5 साड़ियां जिनको आपने पिछले 6 महीने में नहीं पहनी है निकाल देना। और कोई नहीं मिले ना, जो अपने झाड़ू पोंछा करने वाली भाई आती है उसी को कहना ये 5 साड़ियां तुम्हें उपहार, और ऐसी वाली देना जिसे पहनकर आप भी बाहर जा सकें ताकि वो पहनते हुए गौरवान्वित हो। मैं कुल मिलाकर बात यह कहना चाह रहा हूं, 5 व्रतों की मैंने बात कही, आज आयर्याणम का जाप करते हुए हम संकल्प लें। नंबर 1, मैं अहिंसा व्रत को जीऊंगा, मेरे द्वारा कभी किसी की हिंसा ना हो और कभी किसी का दिल ना दुखे। मैं दूसरा क्या जीऊंगा, सत्य को जीऊंगा। तीसरा अचौर्य को जीऊंगा। चौथा शील व्रत को जीऊंगा। और 5वां अपरिग्रह व्रत को जीऊंगा। चलो सभी बोलो ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम। श्रीपाल और मैना सुंदरी की जो अमर कहानी से कल हम गुजर रहे थे और हमने देखा कि व्यक्ति किस तरह क्रोध में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और किस तरह का गलत निर्णय कर बैठता है। हमारे सामने श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी जीवन के कई कई उपदेश और प्रेरक बातें लेकर आएंगी। नंबर 1, यहीं से बात शुरू हुई, कर्म कैसा खेल खिलवाता है, राजा को भी रंक बनाता है। नंबर 2, एक पिता जब अपने भीतर अहंकार ग्रस्त हो जाता है तो अपने विवेक को भूल जाता है कि मुझे कौन सा किस तरह का निर्णय करना चाहिए, और गुस्से में भरा हुआ राजा प्रजापाल निकल तो जाता है बगीचे में घूमने के लिए, लेकिन जैसे सामने कोड़ियों का दल आता है और जो कोड़ियों का मुख्य व्यक्ति,
कोड़ियों का मुख्य व्यक्ति आकर राजा से कहता है, हमें आपके तरफ से कन्यादान चाहिए, कोई गरीब गुरबे की कन्या, कोई लूली लंगड़ी कन्या, कोई भी कन्या चलेगी, हमारे हमारा जो राजा है राणा उंबर, हमें उसका विवाह कराना है। और गुस्से से भरा हुआ राजा क्या निर्णय करता है, क्या गलती करता है, उन्हें अपने ही राजमहल में आने का निमंत्रण दे देता है, उन्हें अपने ही राजमहल में आने का निमंत्रण दे देता है। राजमहल में वो आते हैं, राणा उंबर का मंत्री जिसका नाम है गलितांगुली, गलितांगुली मतलब जिसकी अंगुलियां गली हुई है, वो मंत्री बना हुआ था तो उसका नाम क्या हो गया, गलितांगुली। वो भी राजा को कहता है, श्रीपाल यानी राणा उंबर भी बहुत समझाता है कि गलत निर्णय हो रहा है, एक राजकुमारी का विवाह भला हमारे साथ कैसे हो सकता है। पर गुस्से में भरा हुआ राजा आउट ऑफ कंट्रोल, न आगे की सुध ले पाता है न पीछे की सुध ले पाता है, उसे पता ही नहीं है कि मैं कितना गलत निर्णय कर रहा हूं, लेकिन अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए, अपने अहंकार की संतुष्टि करने के लिए, अपने क्रोध में डूबा हुआ वो राजन इतना महान गलत निर्णय करता है। लेकिन कैसे बताएं, कभी कभी भाग्य जब व्यक्ति का साथ देता है तो भले ही उसके पिता ने गलत निर्णय लिया हो, लेकिन आगे जाकर यही निर्णय जिन शासन के लिए एक महान गौरव भरी कहानी बन जाती है। और मैना सुंदरी का विवाह तब किसके साथ, उस कोड़ियों के राजा, कोड़ियों के राणा, 700 कोड़ियों के राणा उंबर के साथ हो जाता है। राणा उंबर बहुत समझाना चाहता है राजा से, पर राजा कहता है यह राजाज्ञा है और ऐसा ही होगा। विवाह हो जाता है और विवाह करने के बाद वहां से निकल पड़ते हैं वो राजकुमारी जो कल तक राजमहलों में जीती थी, वो राजकुमारी जिसके पांव के नीचे हमेशा मखमल बिछा रहता था, वो राजकुमारी जो भोजन करे तो 56 भोग जिसके सामने होती थी, आज वो अपने भाग्यवशात कर्मवशात कर्म की रेख पर मेख नहीं लग सकती ना, और अपने कर्म और भाग्य के वसात एक कोड़ी के साथ उसका विवाह हो गया और 700 कोड़ियों के साथ रवाना हो गई। पूरे नगर में हाहाकार मच गया, कोई राजा की मजाक उड़ा रहा है कि कम से कम राजा को बुद्धि रखनी चाहिए थी, कोई रूप सुंदरी की मजाक उड़ा रहा है, अरे इसकी मां नहीं ऐसे संस्कार दिए होंगे, कोई मैना सुंदरी की मजाक उड़ा रहा है, अरे 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 इसको तो कम से कम क्या अपने पिता के सामने जिद कर रही थी, और पता नहीं अलग अलग तरह के विवाद पूरे नगर में चल रहे हैं। राणा उंबर नगर के बाहर जो उनके लिए अपना एक कक्ष बना हुआ था कोड़ियों के दल का, वहां पहुंचते हैं। राणा उंबर मन ही मन समझता है कि गलत जोड़ी बैठ गई, राजा ने गुस्से में आकर एक राजकुमारी का विवाह मेरे साथ कर दिया, पर मैं इसके साथ कोई गलत नहीं होने दूंगा, मैं इसके भाग्य भले ही कुछ भी करें पर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा कि इसको भी कोट का रोग हो जाए। रात का समय था, दोनों एक कक्ष में थे। राणा उंबर ने मैना सुंदरी को समझाते हुए कहा कि हे महाभाग, संभव है तुम्हारे पिता ने गुस्से में आकर, आवेश में आकर, अहंकार में आकर एक ऐसा गलत निर्णय कर दिया कि मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर लिया, लेकिन मैंने न तेरा अभी तक स्पर्श किया है न तुमने मेरा स्पर्श किया है, मैं चाहता हूं अभी भी तू आत्मचिंतन कर ले, अपने मन को तोल ले, कोई मजबूरी नहीं है मेरे साथ जिंदगी जीना, तो आराम से अकेली अपनी जिंदगी जी सकती है या जीवन के लिए कोई भी तू निर्णय करना चाहे तो कर सकती है। मैना सुंदरी ने कहा, आप कैसी बात करते हो, एक कुलवान कन्या अपने जीवन में एक बार जिस पति का वर्ण कर लेती है प्राण पण से उसे अपने जीवन में जिया करती है, जिसका वर्ण कर लेती है वो प्राण पण से उस अपने जीवन में उसको जिया करती है, मेरे जो है आप हैं, ईश्वर ने मेरे भाग्य ने मेरे कर्म प्रकृति ने मुझे वरदान रूप में आपको दिया है, आप मेरे लिए वरदान हैं, दोनों में रात भर धर्म चर्चा चलती रहती है, मैना सुंदरी धर्म की बातें बताती रहती है, जो जो उसने धर्म की चीजें सीखी थी नव तत्व के बारे में राणा उंबर को बताती है, कर्म ग्रंथ के बारे में बताती है, गुणस्थान के बारे में बताती है, षड्द्रव्य के बारे में बताती है, जो जो जिन शासन के महान सिद्धांत थे उन सारे महान सिद्धांतों की वो प्ररूपणा करती है, उन्हें सिखाती है, उन्हें बताती है, और पूरी रात कैसे बीत जाती है दोनों के पता ही नहीं लगता। जब सुबह होने को आती है मैना कहती है, हे राणा उंबर, मेरी ये अभिलाषा है, हम दोनों ही भगवान के मंदिर में चलते हैं, उनकी उपासना करते हैं, अरे जरूर आपका ये रोग भी दूर होगा, जब हम श्री प्रभु की भक्ति करेंगे तो हमारे ये संकट जो जीवन में आया ये भी दूर हो जाएगा। नहा धोकर सुसज्जित तैयार करके मैना सुंदरी राणा उंबर को मंदिर जी में लेकर आती है, भगवान श्री आदिनाथ का दिव्य जिनालय वहां पर है, नगर के बाहर भगवान श्री आदिनाथ का दिव्य जिनालय है, वो अपने कोड़ी पति को साथ लेकर उस मंदिर में आती है इस दिव्य भावना के साथ कि हे प्रभु
आज मैं आपके मंदिर में आई हूं तीर्थ करने चली सती, निज पति का कष्ट मिटाने को, अशुभ कर्म का उदय हुआ उस कर्म का द्वंद मिटाने को। जो अशुभ कर्म का उदय जीवन में आ गया, तीर्थ करने चली सती मतलब मंदिर के दर्शन करने चली सती, निज पति का कष्ट मिटाने को, अपने पति के जीवन में जो कष्ट आया है, जो कोड का रोग आ गया है, उस कोड के रोग को दूर करने के लिए वो भगवान के मंदिर में आती है, श्री प्रभु के मंदिर में आती है, वहां पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, चैत्य वंदन कर रही है, श्री प्रभु की अभिवंदना कर रही है, भाव ही भाव में प्रभु को जो उसे कर्म वसात प्रसाद मिला है उसकी अनुमोदना कर रही है, और मन ही मन कहती है, हे प्रभु मंदिर जी में कभी भी स्वार्थ का चिंतन करना दोष है, यहाँ संसार का चिंतन नहीं, यहाँ हमेशा मोक्ष का चिंतन होता है, यहाँ हमेशा ईश्वर का, यहाँ हमेशा मुक्ति का चिंतन होता है, पर हे प्रभु मुझे इस बात की तनिक भी तकलीफ नहीं है कि मेरे कोढ़ी पति मिला है, भाग्य ने जो दिया मुझे स्वीकार है, पर मुझे इस बात की तकलीफ है कि पूरे नगर में आज जैन धर्म की जो अवमानना हो रही है, अपमान हो रहा है, मजाक उड़ाई जा रही है, बस श्री प्रभु ऐसा कुछ कर दो कि ये पूरा नगर पूरी दुनिया देख सके कि जिन शासन का क्या प्रभाव है, जैन धर्म का क्या प्रभाव है, और वो यूं भावना भारी है, अर्यंत प्रभु के श्री चरणों में निवेदन कर रही है। मैना सुंदरी की करुण पुकार का, अब आप करुण प्रार्थना का, श्रद्धा से भरी प्रार्थना का आनंद लीजिए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, मैना गा रही है। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, दुख से है व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, दुख से है व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए हो, तारण तरण तुम्ही हो, तारण तरण तुम्ही हो, जिन वाणी बताए, जिन वाणी बताए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए हम, शरण तेरी आए, शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की, शक्ति है तुझ में ऐसी कर्म काटने की, छोड़ कर तुम्हें अब हम, छोड़ कर तुम्हें अब हम, किसकी शरण जाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, मझधार में फंसी है प्रभु जी नाव मेरी, भव पार तुम लगा दो, भव पार तुम लगा दो, आस लेके आए, आस लेके आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अंतिम प्रार्थना, तारा है तुमने उनको, तारा है तुमने उनको, जिसने भी पुकारा, तारा है तुमने उनको, जिसने भी पुकारा, हम भी पुकारते हैं, हम भी पुकारते हैं, तुमसे लौ लगाए, तुमसे लौ लगाए। अरिहंत देव स्वामी, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए।
अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। अरे हंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। मैना सुंदरी के पवित्र हृदय से निकली हुई ये पुकार ऐसी आती है, जिन शासन का महान चमत्कार होता है कि भगवान श्री आदिनाथ की दिव्य प्रतिमा पर जो गले का हार है और जो हाथ में क्या है, बिजोरा है। कहते हैं भगवान की दिव्य प्रतिमा पर हाथ का बिजोरा और गले का हार पता नहीं अपने आप बाहर निकलता है और वहां से आगे बढ़कर श्रीपाल के हाथ में आ जाता है। श्रीपाल अपने हाथ में जैसे ही वो फल देखता है, अपने हाथ में जैसे ही हार देखता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। और तब मैना सुंदरी भाव विवल होकर कहती है, हे राणा उंबर, ये कोई मामूली बात नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये प्रतीक है कि श्री प्रभु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है। अब तो आपके रोग शोक दूर होने का समय आ गया है। वहां से प्रार्थना वंदना करके दोनों आते हैं संतों के पास, गुरु महाराज के पास, दिव्य दर्शन का आनंद लेने के लिए उनके पास आते हैं। और वहां पर आकर आचार्य भगवंत के श्री चरणों में आकर अनुरोध करते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें अपनी ओर से। और प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे आचार्य प्रवर, आचार्य मुनि चंद्र सूरी जैसे ही मैना सुंदरी को देखते हैं, वो देखते ही चौंक पड़ते हैं और कहते हैं, क्या बात है राजकुमारी, कल तक तो तू हमेशा दास दासियों के साथ राजशाही वैभव से सजा जाती थी, आज तू अकेली आई है। वो कहती है, हे गुरुदेव, मैं अकेली नहीं आई हूं, मेरे पति भी। और जैसे ही आचार्य श्री मुनिचंद्र सूरी उस कोढ़ी पति को देखते हैं, वो चौंक पड़ते हैं, ये तेरा पति? कहां, मुझे गौरव है कि मेरे भाग्य ने मुझे ये पति दिया है, पर हे गुरुदेव, मुझे जो मिला मैं उसका स्वागत करती हूं। मेरे मन में लेश मात्र भी खेद नहीं है कि मैं राजघराने की पैदा हुई राजकुमारी और मेरा विवाह एक कोढ़ी के साथ हुआ, मैं इसे अपने भाग्य के फल को सब प्रेम स्वीकार करती हूं। पर मुझे एक बात की मन में बहुत पीड़ा है, इस सारे घटना चक्र में, शहर में जो तीर्थंकरों की, महान आगमों की, महान शास्त्रों की, जिन धर्म की जो विराधना हो रही है, मेरी इच्छा है वो विराधना ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि वो विराधना बंद हो जाए। आचार्य श्री मुनिचंद्र सूरी को पता था, मुनि कभी भी जादू टोना नहीं करते, मुनि कभी भी वशीकरण मंत्र नहीं करते, मुनि कभी भी इस तरह के कार्य नहीं करते। पर उन्होंने जिन शासन की महान प्रभावना को देखते हुए और उस राणा उंबर कोड़ी व्यक्ति के भावी भविष्य को देखते हुए वो उसे कहते हैं, बेटा ठहर, मुझे थोड़ा समय दे, होगा तेरा पति बिल्कुल ठीक होगा। मैं इसके आभा मंडल को देख के समझ रहा हूं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये जो तेरा कोढ़ी पति है ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये कोई बहुत पुण्यवान है और इस व्यक्ति से जिन शासन के महान प्रभावना होने वाली है, इसलिए मैं शास्त्रों को देखता हूं, आगमों को देखता हूं, ग्रंथों को देखता हूं, महापुरुषों की बातों को देखता हूं, मेरे मुनियों से सलाह करता हूं और मैं तुम्हें कोई ना कोई ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे कोढ़ का रोग दूर हो जाएगा। तब आचार्य मुनिचंद्र सूरी आगमों को देखते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, जितने जितने शास्त्र थे जिनमें तरह तरह के मंत्र विद्या से जुड़े हुए शास्त्र, आराधना से जुड़े हुए शास्त्र, यंत्रों से जुड़े हुए शास्त्र, जितने महान शास्त्र थे उन सारे शास्त्रों का वो अवलोकन करते हैं। और अवलोकन करने के बाद एक दिन मैना और राणा उंबर दोनों को अपने पास में बैठा कर उन्हें विधि पूर्वक उस आराधना का पाठ पढ़ाते हैं और कहते हैं, हे बिटिया, अगर 9 बार तूने इस महामंत्र की आराधना कर ली, इस महान तपस्या की साधना कर ली, तो शास्त्रों में यही आया है कि तुम्हारे पति का कोढ़ का रोग दूर हो जाएगा और जो संकट आया वो संकट भी समाप्त हो जाएगा। तब कहते हैं आचार्य मुनि चंद्र सूरी जी महाराज ने जो विधान, जो आराधना, जो विधि विधान मैना सुंदरी को बताया, उस विधि विधान का नाम था सिद्ध चक्र महामंत्र की आराधना, नवपद ओली की आराधना। उन्होंने संपूर्ण आगमों का अवलोकन करने के बाद, संपूर्ण शास्त्रों का अवलोकन करने के बाद, ये विधान
मैना सुंदरी और राणा उंबर को दिया कि तुम इसका पारायण करो। और कहते हैं तब अभी जो चल रहा है ना आश्विन शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा तक, मैना सुंदरी और राणा उंबर ने सबसे पहली जो नौपद की आराधना की थी, फिर तो आजीवन वो सिद्ध चक्र की आराधना करते रहे, पर उन्होंने अपनी नौपदोली की आराधना का श्री गणेश किससे किया? इसी आश्विन यानी आसोज शुक्ला सप्तमी से पूर्णिमा तक उन्होंने 9 दिन तक नौ पदों की आराधना की। सधर्मी भाइयों ने उनके लिए बाकी सब व्यवस्था भी कर दी, आराधना पूजा पाठ व्यवस्था की, और कहते हैं 9 दिन तक रोज भगवान की पूजन करते, रोज भगवान का अर्चन करते, रोज भगवान का दिव्य भक्ति करते, दिन भर भक्ति में रहकर आयंबिल की तपस्या के साथ मैना सुंदरी ने आराधना की। किसकी आराधना? नौपद की आराधना की, सिद्ध चक्र महामंत्र की आराधना की, अर्यंत पद सिद्ध पद आचार्य पद एक एक पद की उसने आराधना प्रारंभ की। और रोज भगवान के मंदिर में पूजा करने के बाद जो भगवान का प्रक्षालित जल होता था, मैना सुंदरी रोज वो प्रक्षालित जल राणा उंबर पर पूजन करने के बाद, स्नात्र पूजन करने के बाद, भगवत भक्ति करने के बाद, प्रभु की आराधना करने के बाद वो जल उन पर छिड़कती रहती। खास बात बता रहा हूं, आचार्य बंगवंत ने तो कहा था नौ ओली में परिणाम तो पक्का आ जाएगा, अरे ये नौ पदोली हाथ की हजूर है। क्या है? इधर करो और इधर पाओ, ऐसा नहीं कि आज करो और कल पाओ, ये तो हाथ की हजूर है नौ पदोली। और परिणाम निकल कर आया, 9 दिन पूरे हुए और नौ पदोली की आराधना संपन्न हुई। 9 दिन में तो राणा उंबर का शरीर पहले की तरह कंचन की तरह है, उसका शरीर कंचन की तरह दिव्यमान हो गया, बिल्कुल खूबसूरत व्यक्तित्व निकल कर आ गया उसका। चौंक पड़ी मैना सुंदरी, ओ तो जिन शासन की ये महान प्रभावना, जिन शासन का ये महान चमत्कार, भगवान श्री आदिनाथ का महान चमत्कार, विमरेश्वर और चक्रेश्वरी माता का महान चमत्कार, किस तरह मेरे पति का कोट का रोग दूर हो गया। धीरे धीरे खबर चारों ओर फैलने लगी, सधर्मी भाइयों में खबर फैलने लगी कि इस तरह राणा उंबर का कोट का रोग दूर हो रहा है। सभी ने उसका उपाश्रय स्थानक में बहुत सम्मान किया। एक दिन वो अपने पति के साथ ऐसे ही स्तुति कर रही थी, अब वो पति कोड़ी पति नहीं रहा, कैसा हो गया? बड़ा खूबसूरत। मैं आपको बताऊं, अभी हम जब दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे, चेन्नई बेंगलोर उधर यात्रा पर गए, तो हमें जानकर आश्चर्य हुआ वहां पर हमारे सामने कई लोगों को लाया गया। चेन्नई में आदिनाथ जैन ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो हमारे सामने कई लोगों को लेकर आए कि साहब ये उस बस्ती में रहते थे जहां सभी लोगों को कोड़ का रोग था, और हमने इनका, और बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे, और उन सबसे हमें आमने सामने बात कराई साहब कि हमने इन सबको ये सोच करके, जब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि श्रीपाल यानी राणा उंबर का कोट का रोग दूर हुआ, हमने प्रयोग किया इनके नौ नौ एम्बिल की तपस्या के साथ, इनके नौ पद की आराधना के साथ, इनके नौ ओलियां कराई। और मैं हकीकत कह रहा हूं, आंख से देखी हुई बात, मैंने अपनी आंख से देखा था, उनमें कई सारे लोग, कम से कम 30-40 लोग को तो हमारे सामने लेकर आए थे, जिनका कोड का रोग बिल्कुल समूल नष्ट हो गया था और बिल्कुल कंचन की तरह चमक रहे थे। ये आज की बात बता रहा हूं, अभी हम जब जाकर आए दक्षिण भारत के तब की बात बता रहा हूं, तब भी ये ओली जी का परिणाम था, आज भी परिणाम है। रोग शोक दुख दरिद्र को दूर करने के लिए नौपद ओली तो वरदान स्वरूप है, वरदान स्वरूप है। अब वो रोज जिन मंदिर में भक्ति कर रहे हैं, अब इधर क्या हुआ? जब मैना का विवाह एक कोड़ी के साथ हो गया तो मैना की मां नाम क्या, बोलो 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 जोर से बोलो, रूप सुंदरी, वो बड़ी मन से दुखी हो गई, उसे इतनी ग्लानी हो गई राजमहलों में रहने से कि मेरी बेटी के साथ मेरे पति ने इस तरह का व्यवहार किया, और वो नाराज होकर अपने भाई पुण्यपाल के घर चली गई, अपने भाई के घर चली गई। एक दिन रूप सुंदरी भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आई, अब वो क्या देख रही है कि उसकी बेटी मंदिर में पूजा कर रही है, आराधना कर रही है, और उसी दौरान वो देख रही है कि इस तरह से साथ में कोई खूबसूरत युवक उसके बिल्कुल सट के बैठा है और चैत्य वंदन कर रहे हैं। उसे लगा, यार ये युवक कौन हो सकता है, मेरी बेटी की शादी कोड़ी के साथ हुई थी, क्या इसने
ऊंची ऊंची बातें वहां धर्म की कर रही थी, इसने सारा अपना धर्म क्रम पानी कर दिया। लगता है इसने कोढ़ी पति का तो त्याग कर दिया और किसी दूसरे का वरण कर लिया। ओफो, तो राजमहल में तो इतनी ऊंची ऊंची बातें कर रही थी और अब ऐसी, वो तो वहां से दूर खिसकनी चाहिए, लेकिन मैना सुंदरी और अपनी मां के पास, माँ ने कहा तुम मुझसे दूर रहे, मैं तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करती, तू कुल कलंक नहीं है, अरे तूने हमारे कुल को कलंकित कर दिया, अरे ऐसा ही अगर करना था तो क्यों इस तरह तुमने धर्म का वहां पर नाटक किया। उसने कहा मां कैसी बात करती हो, ये वही है, ये राणा उंबर है और ये जैन धर्म का प्रभाव है, ये महामंत्र नवकार का चमत्कार है, ये द्रौपद ओली का चमत्कार है, ये सिद्ध चक्र महामंत्र के जाप का चमत्कार है कि देखो ये कोढ़ी व्यक्ति भी स्वस्थ राजकुमार हो गया। आजू बाजू के सब लोग कहते हैं हाँ 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 यही है, हाँ हाँ यही है। तब वो इतनी आनंदित होती है, रूप सुंदर इतनी आनंदित होती है, अपनी बेटी को गले लगा के कहते हैं बेटा आज तो तूने मेरी लाज क्या रखी, मेरा गौरव बढ़ा दिया, मुझे गौरव है कि इस दुनिया में मैना सुंदरी की मैं माँ हूं। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा मैना सुंदरी तेरा नाम रहेगा। तूने जिस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते हुए आज तेरा पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया, हम सोच नहीं सकते थे, किसने सपने में कल्पना नहीं की थी। पर महापुरुष कभी स्वार्थी नहीं होते, हमेशा परमार्थी होते हैं। तब राणा उंबर ने अपने वो जो 700 कोड़ी थे उनको भी बुलाया और उनको भी नवपद की आराधना कराई, उनको भी सिद्ध चक्र की आराधना कराई और उन पर भी भगवान का वो नवण जल छिलका और कहते हैं वो 700 कोड़ी भी बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई, वो अपने अपने घरों में चले गए। एक दिन जब मंदिर में सब धर्म आराधना करके बाहर निकल रहे थे कि तभी रानी कमल प्रभा का नगरों में पर्यटन करते हुए, कहां गई थी रानी कमल प्रभा याद करो, कहां गई थी है? वो तो अपने बेटे के लिए दवा की तलाश में गई थी, लेकिन वो चलती चलती, उसे तो पता भी नहीं था कि उसका बेटे का यूं मिलन होगा। जब उसे पता लगा गांव में मंदिर है तो मंदिर के दर्शन के लिए आ रही थी और सामने ही अपने बेटे को जब श्रीपाल को देखा, मां बेटी की आंखें चार हुई, मां भी बेटे को पहचान गई और बेटा भी मां को पहचान गया, प्रणाम किया। कमल प्रभा समझ गई साथ में कौन है, मैना सुंदरी। सारी बातें ही इधर उधर की बातें ही सबको सब पता लगा और अंततः रूप सुंदरी अपनी बेटी को, अपनी जमाई को, अपनी समधन को अपने ही भाई के घर ले गई और वहां पर पुण्यपाल के घर में खूब आनंद से वे लोग रहने लगे।